रनर 4500 किलोमीटर चली हुई, कंप्लीट 361 किलोमीटर सिर्फ कवर किया है इसने भाई, 361 और 927 किलोमीटर बस चला हुआ है भाई ये वाला ZX10R। तो इसका अराउंड 775 आस्किंग था, मतलब 6 लाख में आपको ये वाली मशीन मिल रही है, 7,25,000 9.5 लाख, मतलब 9.5 लाख, 7.99। अब भाई आपका एडवेंचर एंड क्रूजर टू रेट पे, तो एडवेंचर पे आप देखो ट्रायम्फ का टाइगर स्पोर्ट्स जो न्यू मॉडल है भाई ये वाला कंप्लीट आपको देखो अवेलेबल है यहाँ पे। ये वाला आपको 2022 मैन्युफैक्चर, 2022 रजिस्टर्ड, WP रजिस्टर्ड, सिंगल ओनर, 5600 किलोमीटर्स कवर्ड किया हुआ है। बाकी एसेसरीज में आपका ट्रायम्फ का फ्रेम स्लाइडर्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, टाइम का टर्न इंडिकेटर्स, और उसके बाद फोक प्रोटेक्टर्स वगैरह भी आपको दिया हुआ है ट्रायम्फ का ही। और ट्रायम्फ के पैनियर्स आपको पता है भाई, ये जो एडवेंचर मशीन्स वगैरह होती है ये आपका बेसिकली आपको लॉन्ग रूट्स वगैरह कवर करने के लिए परचेस होती है, तो आपको पैनियर्स वगैरह भी ट्रायम्फ का जो ओरिजिनल आता है वो मिल रहा है। टॉप रैक वगैरह, इवोटेक का रेडिएटर ग्रिल, हैंड बार रेजर, और साथ साथ देखोगे आपको तो बैकबस्टर हैंड गार्ड वगैरह भी आपको दिया हुआ है, और मोबाइल होल्डर एंड डिनाली का हेडलैम्प, मतलब कि समझ जो अच्छे खासे इस पर भी लोडिंग्स। ये हेडलैम्प आप देख रहे हो भाई, हेडलैम्प नहीं, हेडलाइट का यूज़ होता है उसमें, लाइट ही बोलूँगा मैं। बाकी यहाँ पे कंप्लीट इस साइड पे और बोबो का आपका कंप्लीट मोबाइल होल्डर्स वगैरह, राइजर वगैरह सब कुछ इस पर लगा हुआ भाई, लिटरली बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझ जो अच्छे खासे एसेसरीज। और इसका जो आस्किंग है वो आपको अराउंड 9,25,000 का, तो भाई 9,25,000 में ये आपको अवेलेबल है। तो अगर आपको ये वाली परचेज़ करनी है, हालांकि अगर इसका वॉक अराउंड मैं दूंगा ना, अगर प्रॉपर आपको डिटेल वाइज दिखाऊंगा तो आपको एक मतलब खरोच तक नज़र नहीं आएगा। और ये तो मैं मानता हूँ भाई कि जॉयस बाइक पॉइंट में जो बाइक जितनी भी आती है किसी पर भी कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं रहता भाई, लिटरली कोई ऐसा डैमेज, इनफैक्ट मैंने तो ऐसा ऐसा बाइक भी देखा है कि जिसके मिरर्स तक न्यू लगे हुए रहते हैं, टायर्स भी न्यू रहते हैं, जैसा आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। हालांकि इसका कंप्लीट फेस वगैरह आप देखो यार, कंप्लीट और वेस्ट बंगाल रजिस्टर्ड है ये वाली मशीन, हैंडल बार्स वगैरह भी लगा हुआ है, आपका मोबाइल होल्डर वगैरह, हैंडल रेजर वगैरह भी लगा हुआ है। इसका मीटर भी देखो भाई अब कंप्लीट कितना क्लीन लग रहा है, और पैनियर्स वगैरह अवेलेबल है, टॉप रैक वगैरह अवेलेबल है। तो ये बाइक का आस्किंग वगैरह हम लोगों ने आपको बताया, बाइक अवेलेबल है जॉयस बाइक पॉइंट में, परचेस करना तो भाई आ जाओ इसे परचेस करने। तो जैसा मैंने बताया एडवेंचर सेगमेंट, अब आते हैं क्रूजर सेगमेंट पे। तो क्रूजर में भाई आपको पता है हार्लीज एंड ट्रायम्फ अवेलेबल है यहाँ पे। तो हार्ली का एक ये वाला मॉडल जैसे हो भाई, हार्ली की मशीन यार, लिटरली बीइंग अ बुलेट गाय भाई, मेरे को बहुत पसंद आता है हार्ली, और बहुत ज़्यादा तगड़ा भी लगता है, इतनी लोडेड लगती है ना दूर से देख के, और ये जब स्टार्ट होती है, इनफैक्ट इसके अलॉय वगैरह भी देखो भाई आप लोग, कंप्लीट हैंडल वगैरह देखो यार, बहुत तगड़ी लग रही है। ऐसा ही शेप दिया हुआ है ना इसका, ऐसा शेप है लिटरली मैन, इतना तगड़ा, इतना हेवी लगता है ना भाई, कंप्लीट भाई साहब। और इस बाइक को अगर और डिफाइन करेंगे तो 18 मैन्युफैक्चर, 19 रजिस्टर्ड है, सिंगल ओनर, 4500 किलोमीटर चली हुई। एसेसरीज में वेनिस एंड हाइनेंस का लाउड एग्जॉस्ट, मतलब ये जो अब लाउड एग्जॉस्ट आप देखोगे कंप्लीट, अब देखो वेन्स एनहांस कर गया एक कंपनी का, इस पर लाउड एग्जॉस्ट लगा हुआ है कंप्लीट, और उसके बाद आफ्टर मार्केट हैंडल बार्स वगैरह भी इस पर लगे हुए हैं, आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर, रेयर फुट पैक्स एंड रेयर सीट वगैरह भी इस पर अवेलेबल है। तो रेयर फुट पैक आप देखो एंड रेयर सीट देखो भाई अवेलेबल है इस पर, तो ये सारे आफ्टर मार्केट इस पर लगे हुए हैं। इसका जो आस्किंग है जॉयस बाइक पॉइंट पर वो है अराउंड 6.99 लाख, उतने में आपको ये वाली जो हार्ले ये आपको कंप्लीट अवेलेबल हो जाएगी। हालांकि आप रेयर टायर भी आपको दिखाते हैं भाई, 150 सेगमेंट का कंप्लीट टायर वगैरह भी कुछ वैसा लग नहीं रहा उतना ज़्यादा चला हुआ, और वेस्ट बंगाल रजिस्टर्ड है और क्लीन बाइक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास एक और हार्ले है, तो ये वाली हार्ले का मॉडल आप लोग देखो, ये वाली जो हार्ले है आपका हैंडल सेटअप वगैरह देखोगे आप, आपको लोगो दिखाते हैं, पहले बाइक आपको दिखाते हैं यहाँ पे। अब इसका बेल्ट सिस्टम वगैरह देखो, और इस साइड में फुट पैक भाई, लिटरली बहुत तगड़ा फुट पैक एंड हार्ले का लोगो, और बाकी फ्रंट में आप देख ही रहे हो यार कंप्लीट हैंडल सेटअप वगैरह। तो 15 मैन्युफैक्चर, 15 रजिस्टर्ड ये वाली मशीन है, सेकेंड ओनर, 24,000 किलोमीटर चली हुई है। हार्ली डेविडसन का फैट बॉब का हैंडल बार, हार्ली डेविडसन का डे मेकर हेडलाइट, लेग गार्ड, क्रोम मिरर, हैंडल ग्रिप, सब आपको हार्ली डेविडसन के इस पर ओरिजिनल लगा हुआ है। स्क्रीमिंग ईगल एग्जॉस्ट भाई साहब, ईगल एग्जॉस्ट इस पर डाला हुआ है, जैसा आप यहाँ पे देख लो भैया,
कंप्लीट एग्जॉस्ट सिस्टम वगैरह आप देख ही रहे हो इसका, बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। और स्टार्ट तो अभी कर नहीं पाएंगे क्योंकि भाई स्टार्ट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और बाकी हार्ली डेविडसन का रेयर सीट, बैक रेयर, स्पेशल बैक फुट पैक एंड लाउड हॉर्न, ये सब कुछ समझ जाओ आपको हार्ली डेविडसन का ही ओरिजिनल लगा है, आफ्टर मार्केट उस पर लगा हुआ नहीं है। तो इतना प्रीमियम मशीन भाई, प्रीमियम इन द सेंस कि इतनी ओरिजिनल लोडिंग 5,75,000 में सिर्फ आपको अवेलेबल है ये वाली क्रूज़र हार्ली की। तो अगर आपको परचेस करना है तो भाई डेफिनेटली आप लोग आ जाओ, अगर हार्ले फ़ैन है आप लोग तो। बहुत तगड़ी यार, बहुत हेवी लग रही है। नेक्स्ट हमारे पास एक और हार्ली आई और ये वाली हार्ली का डिमांड मेरे से लोग इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे ये हार्ली के बारे में, बहुत ज़्यादा यार ये वाली खूबसूरत लगती है, नो डाउट। फ्रंट का लाइट सेटअप वगैरह आप देखो यार, और वेस्ट बंगाल रजिस्टर्ड ये भी है, 2021 का मैनुफैक्चर, 2023 का रजिस्टर्ड, सिंगल ओनर, 361 किलोमीटर सिर्फ कवर किया है इसने भाई, 361। और एसेसरीज में बस हार्ली डेविडसन का आपको लेग गार्ड लगा, बाकी कंप्लीट स्टॉक मशीन। इनफैक्ट ये वाला आप देख लो भाई, कवर वगैरह किया हुआ है 114 क्यूबिक इंचेस। और इसका जो ऑन रोड प्राइस आपको पड़ता है तो अराउंड 24 लाख का है, लेकिन अगर आप लोग को अगर ये वाली परचेज़ करनी है जॉयस बाइक पॉइंट में तो केवल 17 लाख, मतलब 17 लाख आपको देना होगा इसके लिए। 17 लाख में ये वाली मशीन आपको अवेलेबल है, इतना कम चली हुई भाई, इतना कम, मतलब 1,000 या 500 किलोमीटर भी कवर नहीं हुआ इसने। और टायर्स वगैरह आप देख रहे हो कंप्लीट, और मतलब कि यार घिसा घिसना तो छोड़ो, दाग तक नहीं आ रहा है भाई टायर पे। और ये वाला कंप्लीट आपको जो प्राइसिंग रेंज पे अवेलेबल है ना यार, बहुत ही आपको कम जगह ऐसा मिलेगा भाई, इतना प्राइस कम किया हुआ। तो चॉइस बाइक पॉइंट में आपको क्रूज़र भी मिल रही है, सुपर स्पोर्ट भी मिल रही है, नेकेड भी मिल रही है, ए टू जेड सब कुछ मिल रही है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे इस पर ट्रायम्फ का, जो हमारा क्रूज़र है, स्पीड मास्टर बॉनविल, तो इसका भी आपको कंप्लीट आपको दिखाते हैं भाई क्या क्या इसमें अब कैसे सीरीज वगैरह लगा है, कब का बाइक है। 2018 का आपका ये वाला मशीन है, 2020 का रजिस्टर्ड, सेकेंड ओनर, 15,727 किलोमीटर्स अभी आपका इसमें कवर किया हुआ है। और बाकी बाइक जो है कंप्लीट स्टॉक है, स्टॉक कंडीशन में इसका जो आस्किंग है वो है 7,99,000, मतलब 799 में आपको ये वाली बाइक मिल रही है। स्टॉक बाइक है, WB रजिस्टर्ड है और कंप्लीट क्लीन मशीन है भाई ट्रायम्फ की, जैसे देखो पूरा क्लीन है भैया, स्पीड मास्टर बॉनविल। उसके बाद ये जो हार्ले आपका, मैं हार्ले का नाम नहीं बता रहा हूँ यार, आप लोग हार्ले डेविडसन फैट बॉब है। उसके बाद ये वाली जो है, ये हमारे पास जो है आपका स्ट्रीट बॉब, एंड दिस वन मेरे को यार इस पर दिल आ गया, बहुत खूबसूरत लग रही है, आयरन 883 भाई ABS। तो यार इतना तगड़ा भाई लाइनअप है क्रूजर सेगमेंट का एंड एडवेंचर सेगमेंट का, तो आप लोग आके परचेस कर लो भैया। सो होपफुली गाइस आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कंप्लीट लाइनअप का, सुपर स्पोर्ट का भी वीडियो अलग से है, नेकेड सेगमेंट का भी है, एंड उसके बाद क्रूजर एंड एडवेंचर सेगमेंट का है। तो वीडियो को एंड तक देखे होगे अगर आप लोग अभी तक, तो सब्सक्राइब हमें ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, इन्जॉय, 100K करा दो, चलो बाय बाय।